हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशियो नंबर। रेशियो नंबर्स को पढ़ने के लिए आपको पहले कुछ बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है, तो पहले हम इन सबको डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या है? 1, 2, 3 से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर्स आपके होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर आपका क्या हुआ? 1। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, ये जो नेचुरल नंबर्स थे इसमें हमने क्या प्लस कर दिया? 0। अगर हमने इसमें 0 प्लस कर दिया तो आपका क्या बन गया? ये होल नंबर्स। नेचुरल नंबर में हमने 0 प्लस कर दिया तो आपका बन गया ये होल नंबर। तो फर्स्ट होल नंबर आपका क्या हो गया? 0। नेक्स्ट आपका आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? पहले हमने नेचुरल नंबर लिए 1 to infinity नेचुरल नंबर्स, इसमें हमने 0 प्लस कर दिया, आपके बन गए होल नंबर्स। अब इंटीजर्स क्या होंगे? होल नंबर्स में अगर हम नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव टर्म्स ऐड कर देते हैं तो वो आपके कहलाते हैं इंटीजर्स। सो व्हाट इज इंटीजर्स? द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव टर्म्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स के हमने नेगेटिव टर्म्स ले लिए, माइनस इंफिनिटी डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2 से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर्स आपके क्या है? इंटीजर्स। अब आपको पता है इंटीजर्स क्या होते हैं तो आप रेशियल नंबर्स कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, रेशियल नंबर। अब रेशियल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको पता ही है क्या होते हैं, यानी इंटीजर्स में आपके माइनस के नंबर भी आ सकते हैं और प्लस के भी आ सकते हैं। एंड एक कंडीशन और होती है, बट क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि इंटीजर्स में तो 0 भी होता है लेकिन 0 उसमें नहीं होना चाहिए, सारे इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। तो आपके रेशियल नंबर क्या हुए? सपोज हमने एग्जांपल लिए 4/5, एक हमने ले लिया 0/5 और तीसरा हमने ले लिया 5/0। पहले हम बात करेंगे 4/5 p/q की फॉर्म में है तो ये रेशियल नंबर होगा। नेक्स्ट हमने बात करी 0/5, तो 0/5 कंडीशन है हमारी क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, लेकिन पी आपका 0 हो सकता है, तो 0/5 भी आपका रेशियल नंबर होगा। देन आता है 5/0, कंडीशन है कि क्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो नीचे 0 आ गया तो इसलिए रेशियल नंबर नहीं होगा। अच्छा, अब एक नॉर्मल सी बेसिक थिंग है कि 0/5 रेशियल नंबर है लेकिन 5/0 रेशियल नंबर क्यों नहीं है? हम क्यू को 0 के इक्वल क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि जब हम 5 से नंबर को डिवाइड करेंगे 0 को, या आप कह सकते हो कि 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा? 5 1 1 5 2 2 ऐसे टेबल होती है, ऐसे हमने कहा 5 0 0 0, यानी 5 की 0 से मल्टीप्लाई 0, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 0। जबकि हम 0 से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, 0 की तो कोई टेबल होती नहीं है, चाहे 0 की 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 ऐसी चलती रहेगी, 0 की कोई टेबल होती नहीं है। इसका आंसर क्या आता है हमारा? इन्फिनिटी, आप ये कह सकते हो काउंटलेस, यानी हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो इसलिए कंडीशन हमारी क्या होती है? एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम चैप्टर 1 पे आते हैं। रेशियल नंबर आप सबको बताइए क्या होता है। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे रेशियल नंबर्स की। पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप सब देख रहे हैं एक वर्ड आपको कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? क्लोजर प्रॉपर्टी से आप क्या वर्ड निकाल सकते हो? क्लोज। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए और बी दो अलग अलग होल नंबर हैं
हम उनको पास में ला देते हैं, पास में ला देते हैं मतलब उनका एडिशन कर देते हैं या उनका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो भी वो आपके क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कैसे ध्यान रखेंगे, सपोज कोई बच्चा है फर्स्ट रो में बैठा है, कोई बच्चा है थर्ड रो में बैठा है, फर्स्ट रो में बैठा है तो वो एट्थ क्लास को बिलोंग कर रहा है, थर्ड रो में बैठा है तो भी वो एट्थ क्लास को बिलोंग कर रहा है। अगर हम उसको एक ही बेंच पे बिठा दें तो क्या दोनों अलग अलग क्लास को बिलोंग करेंगे? नहीं, दोनों हमारे सेम क्लास को बिलोंग करेंगे। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू होल नंबर देन ए प्लस बी ऑल्सो बिलोंग्स टू होल नंबर एंड ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू होल नंबर्स। मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन में ये होल्ड करती है, डिविजन एंड सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करती है। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज हमने ए ले लिया 4, दैट इज बिलोंग टू होल नंबर एंड बी इक्वल्स टू 5, दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू होल नंबर। पहली प्रॉपर्टी हमारी ए प्लस बी एडिशन के लिए चेक करते हैं, हमने एडिशन कर दिया, ए की वैल्यू कितनी है 4 एंड बी की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ गया 9। 9 हमारा क्या होता है, होल नंबर, तो दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू होल नंबर। अब हम मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी, तो 4 है मल्टीप्लाई 5, 4 5 20, 4 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, 20 इज ऑल्सो होल नंबर। सो वी कैन से दैट एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड अंडर, या हम कह सकते हैं होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद एसोशिएटिविटी। नेक्स्ट हमारी आती है एसोशिएटिविटी। अब एसोशिएटिविटी क्या है, सिंपल होती है, ए बी एंड सी, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू होल नंबर देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। कि पहले हमने स्टार्टिंग के 2 का एडिशन किया, फिर उसके बाद उसमें हमने थर्ड नंबर ऐड कर दिया, वो किसके इक्वल होगा, अगर हम लास्ट के 2 नंबर के एडिशन करते हैं उसके बाद पहला नंबर ऐड करते हैं, तो दोनों आंसर आपके कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, दैट इज कॉल्ड एसोशिएटिविटी। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल लिया, ए हमने ले लिया 4, बी हमने ले लिया 5, सी हमने ले लिया 6, तीनों आपके होल नंबर है। अब हमने क्या किया, प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो LHS हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, हमारे दोनों इक्वल आने चाहिए, वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू है 4 प्लस 5 प्लस सी, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू भी रख देंगे यहाँ पे 6, 5 प्लस 6। अब पहले हमने इन दोनों का एडिशन किया, 4 और 5 आपका क्या आ गया 9 प्लस 6, ऐसे इधर करेंगे 4 प्लस इन दोनों का एडिशन करेंगे 6 और 5 11, 9 और 6 आपका कितना हो गया 15, ऐसे 11 और 4 15, यानी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो गई। ऐसे हम इसे मल्टीप्लीकेशन में भी कह सकते हैं, आप इसको मल्टीप्लीकेशन के लिए भी निकाल सकते हैं, ये भी आपकी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन दोनों में होल्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आती है एसोशिएटिविटी के बाद कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या होती है, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, इसका मतलब क्या है, कान आपने हिसाब से पकड़ा, ये ऐसे घुमा के पकड़ा, बात तो एक ही है, तो वही चीज है आपकी कम्यूटेटिविटी, आपने 2 में 3 प्लस किया या 3 में 2 प्लस किया, बात आपकी एक ही है। तो कम्यूटेटिविटी आपकी क्या होती है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू होल नंबर देन ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, एंड इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में होल्ड होती है, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। ओके, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं अगेन, कि सपोज आपने ए ले लिया 4 एंड बी आपने ले लिया 5, तो क्या है हमारा ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, तो हम कर देंगे क्या हो जाएगा 4 प्लस 5 इक्वल होगा किसके 5 प्लस 4 के, तो 9
और ये भी कितना आ गया 99 प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। मल्टीप्लाई में भी करेंगे 4 × 5 = 5 × 4, यानी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड हो गई। तो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिविटी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। देन हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी इंसान की पहचान, इंसान बदल जाता है उसकी पहचान भी बदलती है। इसी तरीके से क्वेश्चन में भी यही बात है कि उसकी पहचान नहीं बदलनी चाहिए, पहचान नहीं बदलनी चाहिए। मतलब हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा वही नंबर लौट के आ जाए। अगर किसी नंबर की आइडेंटिटी 4 है तो उसकी आइडेंटिटी हमारी 4 ही रहनी चाहिए। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आपकी होती है 1, एडिटिव आइडेंटिटी आपकी होती है 0। अब कैसे होती है, सपोज आपने लिया 4, अब 4 की मल्टीप्लाई आप किससे करें कि 4 ही आ जाए। ऑब्वियस है, आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 4 आएगा। तो आइडेंटिटी आपकी क्या हुई, a × 1 = a, वही आइडेंटिटी होती है। और इनवर्स क्या हो जाएगा इसके लिए, a का इनवर्स हो जाता है आपका 1/a। अगर आइडेंटिटी 1 है तो इनवर्स क्या हो जाएगा 1/a। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेटिव एडिटिव आइडेंटिटी, अब हम 4 में कितना प्लस करें कि हमारा 4 ही आ जाए। तो ऑब्वियस है, अगर हम 0 प्लस करेंगे तभी हमारा 4 आएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी आपकी होती है 0। ए में 0 प्लस किया तो ए ही आ गया। अब सिंपल सी बात है, हमारा मल्टीप्लीकेशन डिवाइड में चेंज होता है, इसी तरीके से हमारा एडिशन जो है वो माइनस में चेंज होता है। तो ए का इनवर्स हो गया हमारा -a। कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं इसे। सपोज आपसे पूछा जाता है कि 2/4 इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे 4/2। ऐसी माइनस के 2/4 का क्या हो जाएगा, माइनस के 4/2। ये हमने बात करी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। नेक्स्ट, अगर तभी वहां पे आपसे पूछ लिया जाए एडिटिव इनवर्स, तो 2/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अभी तो हमने इसको डिवाइड में चेंज कर दिया था तो रेसिप्रोकल ले लिया था, जबकि एडिटिव इनवर्स हमारा क्या होता है -a। तो 2/4 का माइनस के 2/4, साइन चेंज कर देते हैं, और माइनस के 2/4 का प्लस के 2/4, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है, हमने अभी तक कितनी प्रॉपर्टी पढ़ ली, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी और आइडेंटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है और इस चैप्टर में आपकी यूज होने वाली है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है कि आपका ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है, ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर है उसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से होती है। चाहे यहाँ पे 2 टर्म हो, 3 हो, 4 हो या 100 हो, ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई होगी। तो इसका मतलब क्या है, पहले ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से। तो ए मल्टीप्लाई बी, बीच में कहीं का साइन है, प्लस का साइन है, बीच हमने लगा दिया प्लस। देन ए की मल्टीप्लाई सी से, तो ये आपकी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सपोज अगर यहाँ पे होता कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी माइनस डी, तो क्या होता, ए की मल्टीप्लाई पहले बी से, हमने कहा था ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई होती है, तो ए की मल्टीप्लाई पहले बी से, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। देन ए की मल्टीप्लाई सी से, अब माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। देन ए की मल्टीप्लाई डी से, तो ये आपकी हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।